बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और समाजवादी पार्टी एसपी के गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हो गई है। आपको जानकारी दे दे कि लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए तीन दलों के बीच सीट को लेकर सहमति बनाई गई है। हाल ही में आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत सिंह ने अखिलेश यादव के साथ बैठक की थी। इसी दौरान आरएलडी के सूबे की तीन सीटें दी गई है और पार्टी का एक उम्मीदवार सपा के चुनाव चिन्ह पर उतरेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम यूपी के लोकसभा सीटों को लेकर तीन दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। खबरों की माने तो पश्चिम यूपी के 22 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई है। पश्चिम के 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि 8 सीटों पर सपा और 3 सीटों पर आरएलडी को मिली है। सूबे की अभी 56 सीटों पर से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बता दें कि सपा और भाजपा ने 23 साल की आपसी दुश्मनी को भुलाकर गठबंधन किया है। अब ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर मायावती ने घोषणा की थी कि सूबे के 80 लोकसभा सीटों में से 38 सीटों पर सपा बीएसपी चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।